चैनल स्काई कार में आप भाइयों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके लिए लेके हैं न्यू अमेज का बहुत बढ़िया मॉडिफिकेशन। इस गाड़ी में हमने ऑडियो का बहुत ए क्लास सेटअप किया है। ये गाड़ी हमारे पास ऑल द वे नैनीताल से सेटअप कराने के लिए आई है। आप यूके नंबर देख सकते हैं। तो एक बार ऑडियो की हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगाई हैं मैं आपको बहुत डिटेल से दिखाऊंगा। पहले तो हम इसके अंदर टू लेयर डैम्पिंग करने जा रहे हैं। इसके मैं आपके भी फायदे भी बताता हूँ। अंदर वाली लेयर और आउटसाइड लेयर दोनों टू लेयर वाली डैम्पिंग करने जा रहे हैं। पैरामैट का प्रोडक्ट है। तो एक बार सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल को एक बार देख लेते हैं, इसमें हम क्या क्या किस स्पेसिफिकेशन का लगा रहे हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम दो कंपोनेंट्स लगाने जा रहे हैं एवाटार कंपनी के, जो कि रशियन ब्रांड है और 75 वॉट इसकी RMS है। बहुत ज़बरदस्त साउंड क्वालिटी है और बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है ये। इसके अंदर आपको क्रॉसओवर, दो ट्वीटर और दो स्पीकर्स मिलते हैं एक सेट के अंदर। तो फ्रंट पे भी हम इसमें कंपोनेंट लगाएंगे और बैक पे भी कंपोनेंट लगाएंगे, और साथ में हम इसके साथ लगाएंगे एक एम्पलीफायर। ये स्नाइपर सीरीज का कंपोनेंट है और एवाटार का है। इसका बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। MTX का इसके अंदर हम एम्पलीफायर लगा रहे हैं। ये एम्पलीफायर मैं आपको बताना चाहूँगा हमने क्यों चूज़ किया, क्योंकि इसके वोकल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। डैम्पिंग इसके अंदर हम पैरामैट की यूज़ कर रहे हैं, तो टू लेयर करेंगे। तो ओवरऑल आपको 8 शीटें लगेंगी, एक शीट इनसाइड में और एक शीट आउटसाइड में। तो एक डोर में आपको 2 शीट्स लगेंगी। तो ये हमारा सेटअप है। इसके अंदर हम प्रोजेक्टर लगा रहे हैं फॉग लैंप्स पे, IPH के। इसके साथ में हम 55 वॉट की HID लगा रहे हैं कैनवस वाली। तो बहुत ज़बरदस्त लाइट का आउटपुट आएगा अगर आप हाईवे का ड्राइविंग करते हैं, और अगर आप लोकल भी ड्राइविंग करते हैं तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी असिस्ट करेगी। और जैसे आप नॉर्मल अपना फॉग लैंप लगाते हैं उससे बहुत ज़बरदस्त इसका लाइटिंग है, और ये आपको हाई लो का ऑप्शन भी देगी। इसमें आपको डिपर भी मिलेगा। और हेडलाइट में इसके अंदर हम LED लगा रहे हैं। ये LED का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। तो लाइटिंग का बहुत ज़बरदस्त सेटअप रहने वाला है इसके अंदर। इसमें नॉर्मल आप देख सकते हो हलोजन लैंप आता है, और इसमें फॉग लैंप लग के नहीं आया। तो IPH के प्रोजेक्टर और साथ में 55 वॉट की इसके अंदर HID और हेडलाइट के अंदर हम LED लगाने जा रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हो काम स्टार्ट हो गया। टू लेयर जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर हम डैम्पिंग कर रहे हैं, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। अगर आप सिंगल लेयर करना चाहते हैं तो वो भी काफ़ी इफेक्टिव रहती है, बट टू लेयर से जो है परफॉर्मेंस और बढ़ जाती है। और परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क आता है मैं आपको बताना चाहूँगा। आप देखिए पहले कितना इवनली हम इसके अंदर डैम्प कर रहे हैं। इससे आपका साउंड क्वालिटी, आपका जो ऑडियो का परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हो जाता है। उस डोर की आप देख सकते हो कितनी इवनली डैम्पिंग हमने कर दी है, और जो कैबिन नॉइस है आपका वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो ये ज़रूर कराना चाहिए, अगर आप हाई एंड ऑडियो करना चाहते हैं तो ज़रूर करवाएं। और भी इसके अंदर हमने बड़ी काफ़ी सारी चीज़ें लगाई हैं। तो अभी आप देख सकते हो भी हमारी गाड़ी में बहुत बढ़िया तरीके से हमारी डेडिकेटेड टीम जो है वो सेटअप कर रही है। तो एक बार अपने स्टोर का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। स्काई कार रमेश नगर दिल्ली, ऑपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 371, और मेरा मोबाइल नंबर है 9811663388। और फ्राइडे को भाइयों हमारा वीकली ऑफ रहता है, और आप आने से पहले कॉल जरूर करें, अपना टाइम स्लॉट बुक करें, क्योंकि हमारे पास काफ़ी लोड रहता है वर्क का। तो हम आपको अच्छी सर्विसेज देना चाहते हैं, तो आप कॉल करके आएँ हमारे पास। तो भाइयों अब इसका काम चल रहा है, वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहें, आपको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस और बहुत बढ़िया आपको सेटअप देखने को मिलेगा। तो अब आप देख सकते हैं चारों डोर्स जो हैं बहुत बढ़िया तरीके से हमने इवनली डैम्प कर दिए इसके अंदर। वैसे मैंने आपको बताया हमने टू लेयर डैम्पिंग यूज़ किया, कंपोनेंट्स को अपनी जगह पे हमने बिल्कुल इंटैक्ट कर दिया, क्रॉसओवर को भी फिट कर दिया डोर पैनल्स के अंदर। आप देख सकते हो कितना सिस्टमैटिकली हमने वायरिंग की है, और इसके अंदर हमने कॉपर की वायरिंग की है। इसके अंदर हमने लोकल वायरिंग यूज़ नहीं करी, लोकल प्रोडक्ट्स को हमारे यहाँ पे बिल्कुल प्रमोट नहीं किया जाता, और इसके लिए हमने आपकी गाड़ी की ओरिजिनल कोई वायर नहीं काटी, टोटली प्लग एंड प्ले काम किया। तो कोई इलेक्ट्रिकल का कोई इशू नहीं आने वाला, कोई वारंटी की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप हमारी पूरी फिटिंग देख सकते हैं। क्रॉसओवर्स को भी हमने डोर पैनल के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से सेट कर दिया, और कॉपर वायर यूज़ की है हमने इसमें। तो 8 गेज की इसके अंदर हमने वायरिंग किट यूज़ की है, और स्पीकर्स के लिए हमने कॉपर वायर यूज़ की है। बहुत बढ़िया क्वालिटी की हमने इसमें वायरिंग का सेटअप किया। तो IPS का आप फिटमेंट देख लीजिए, किसी देख सकते हैं किसी तरीके का कोई गैप नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली फिट हो गई है, जैसे मेड फॉर अमेज है। और जैसे हमने बताया आपको इसके अंदर में 55 वॉट की कैनवस HID यूज़ की है, जिसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। आप इसका लाइटिंग का आउटपुट भी देखिए, मैं आपको इसके अंदर दिखाऊंगा। क्रोम लाइन वाले डोर वाइजर लगाए हैं इसमें, कुछ क्रोम की भी एक्सेसरीज लगाई है। बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है, इसको रस्ट नहीं लगता। लोअर विंडो गार्निश लगाई है, हैंडल क्रोम्स लगाए हैं। तो ये कुछ चीज़ें हमने इसमें कॉस्मेटिक्स भी की हैं एक्सेसरीज में। अब ये देख सकते हैं बिल्कुल H2H फिटिंग है इसके अंदर, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये बहुत बढ़िया क्वालिटी के हमने क्रोम के इसके अंदर हैंडल क्रोम लगाए हैं। तो ये चीज़ें जो है हमारे पास आपको बहुत अच्छी मिलेंगी। तो भाइयों आज का हमारा ये ऑडियो का बहुत बढ़िया सेटअप हमने इस गाड़ी के अंदर किया। आपने देखा कि इसके अंदर हमने डबल डैम्पिंग की है, अंदर वाली डैम्पिंग भी की है हमने, एक लेयर इसके अंदर हमने डोर्स के अंदर किया, और एक लेयर हमने इसके अंदर बाहर भी किया। तो डबल डैम्पिंग की है इस गाड़ी के अंदर हमने पैरामैट कंपनी की, जिसकी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है।
और प्लेयर जो इसके अंदर हमने लगाया वो एंड्रॉइड लगाया है, 2GB रैम एंड 16GB मेमोरी। आप देख सकते हो कितना सुंदर इसका और कितना ब्यूटीफुल इसका इंटरफेस है। तो एक बार मैं आपको पहले फिटिंग दिखा देता हूँ। इसका जो फ्रेम हमने यूज किया वो पियानो ब्लैक है, इसके अंदर मैट भी आता है बट मैट से ना लुक नहीं आता, तो हमने इसके अंदर पियानो ब्लैक वाला फ्रेम यूज किया है। और मैं आपको चारों एंगल से इसका एक बार लुक दिखा देता हूँ कि किसी तरीके का कोई गैप नहीं है। और टोटली हमने इस गाड़ी के अंदर ये जो म्यूजिक सिस्टम लगाया है, प्लग एंड प्ले लगाया है, आपकी गाड़ी की ओरिजिनल वायर नहीं काटी। और जहां अगर हम कपलर्स इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जहां जिस जगह के लिए कपलर्स अवेलेबल नहीं होते, उस जगह के लिए हम स्कॉच लॉक यूज करते हैं ताकि आपकी गाड़ी की किसी तरीके की कोई वारंटी की प्रॉब्लम ना हो। तो ये इंटरफेस मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसका कितना जबरदस्त इंटरफेस है और आप टच देख सकते हो कितना कैपेसिटिव और कितना स्मूथली चल रहा है। तो एवाटार के इसके अंदर हमने कंपोनेंट्स यूज किए हैं, ये एमटीएक्स का हमने इसमें एम्पलीफायर लगाया, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया रहा, म्यूजिक सिस्टम में बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया इसके अंदर हमने ये एंड्रॉइड प्ले लगाया। तो एक बार साउंड क्वालिटी भी चेक कर लेते हैं, एम्पलीफायर और जो आपके कंपोनेंट्स हैं इसका पूरा एक बार हम क्या इफेक्ट आया टोटल बढ़िया कैसी आवाज आई है एक बार हम इसको भी चेक कर लेते हैं। चलाइए जी। और इसके अंदर हमने जो ट्वीटर्स हैं आप देख सकते हो बिल्कुल डोर पैनल के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से हमने फिट कर दिए, किसी तरीके का कोई आपको फिटिंग का इशू नहीं मिलेगा। कितना बढ़िया फिनिशिंग के साथ में हमने फिट कर दिया, कोई गैप नहीं है। ये दूसरी साइड के भी मैं आपको दिखा देता हूं और बैक के ट्वीटर्स, ये पीछे के ट्वीटर्स है। तो चारों जो ट्वीटर्स है हमने ओरिजिनली डोर पैनल के अंदर फिट किए हैं। अब आप साउंड क्वालिटी भी अगर आप, मैं आपको एक बार साउंड क्वालिटी का इफेक्ट भी सुना देता हूं। एक बार फ्रंट से अब हम लाइटिंग का सेटअप भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हेडलाइट के ऊपर हमने लगाई है फ्लोटिंग स्टाइल वाली DRL और साथ में इसके चेंज कर दिए हमने पार्किंग लाइट वाले छोटे वाले बल्ब। और नीचे आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर भी हमारा ऑन हो गया, जिसमें हमने 55 वॉट की कैनवास HID का सेटअप किया है और हेडलाइट में हमने LED लगाई है। तो अभी इसका पूरा आपको लाइटिंग का आउटपुट मैं दिखाता हूं। पहले आप DRL को चेक करो कितना ऑसम फील दे रही है। इसके अंदर फ्लोटिंग वाला इंडिकेटर का फंक्शन भी आपको मिलेगा, तो देखने में बड़ी जबरदस्त इसका लुक एंड फिनिश आ जाता है। आप ये देख सकते हो पूरा रिफ्लेक्शन इसका हेडलाइट में आ रहा है, तो काफ़ी ज़बरदस्त देखने में इसकी लुक एंड फिट एंड फिनिश आ रही है। इस DRL को लगाने के लिए हमने गाड़ी की ओरिजिनलिटी को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, हेडलाइट को बिल्कुल नहीं छेड़ा, हमने हेडलाइट के ऊपर प्लेस कर दिया इसको। तो इससे आपकी गाड़ी की कोई चीज़ ख़राब नहीं होती है। DRL और फ्लोटिंग वाला इंडिकेटर साथ में पार्किंग बल्ब और प्रोजेक्टर नीचे फॉग लैंप में हमने लगा दी, तो लाइटिंग का काफ़ी अच्छा आउटपुट है इसके अंदर। एक बार इसका लाइटिंग का आउटपुट भी हम अभी चेक कर लेते हैं। तो अभी आप जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी लाइट है, ऊपर मर्करी जल रही है, बट फिर भी मैं आपको आउटपुट दिखाना चाहूँगा। काफ़ी अच्छा इसका रोड के ऊपर आपको असिस्टेंस मिल जाएगा, ऊपर मर्करी जल रही है तो आप थोड़ा एडजस्ट करें। रात को आपको हाईवे पे बहुत अच्छी लाइटिंग मिलेगी इसकी। अभी हमारा ये प्रोजेक्टर ऑन हो गया और जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्टर के अंदर आपको लो हाई का फंक्शन भी मिलेगा, इसमें डिपर भी मिलेगा। अभी हमने सिर्फ इसका प्रोजेक्टर ही ऑन किया, फिर भी आप देख सकते हो रोड के ऊपर कितनी ज़बरदस्त लाइटिंग है इसकी। और अभी हम इसकी ये हमने हेडलाइट भी ऑन कर दिया, तो ये इसका मैं लो हाई आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक बार लाइटिंग का आउटपुट पता लग सके कि कितनी ज़बरदस्त इसकी लाइट है। तो ये था हमारा आज का ऑडियो का और लाइटिंग का सेटअप। इस गाड़ी के अंदर बहुत ज़बरदस्त काम हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये गाड़ी मेरे पास नैनीताल से आई है। तो लाइटिंग भी बहुत ज़रूरी है भाइयों गाड़ी के लिए, अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, जैसे आप ऑडियो में अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हो तो आप लाइटिंग भी अपनी गाड़ी की बहुत बढ़िया रखो, तो जो है आपको आगे रोड पर गाड़ी चलाने का जो मज़ा और जो फील है बहुत अच्छी आ जाएगी। आप देख सकते हो जैसे पूरा मैं आपको प्रॉपर डिपर मार के दिखा रहा हूँ, तो इससे आपको लाइटिंग का आउटपुट समझ आ रहा होगा कि कितना ज़बरदस्त है। आप ये देख सकते हो सामने ये जो दो W बन रहे हैं,
ये हमारा प्रोजेक्टर का फोकस है और इसका फोकस सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा सेटअप रहा भाइयों, आपको बहुत जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट बहुत बढ़िया सेटअप के साथ में। थैंक यू।